सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए सिंपल कैप्चर टाइपिंग का काम लेकर आया हूं, जहां पर आपको गाइस सिंपल अपने मोबाइल फोन से कैप्चर टाइपिंग करके पर डे का लगभग 1500 रुपीस अर्न करना है। इस प्लेटफॉर्म से मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रहा हूं एंड काफी सारी अर्निंग मैं विड्रॉ करके रख चुका हूं। तो सबसे पहले आप मेरी खुद की अर्निंग देख लीजिए, यहां पर मैंने इस प्लेटफॉर्म से काफी अर्निंग की है। फिलहाल आप मेरी इतनी अर्निंग देख लीजिए गाइस। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन से काम करना है। और क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। प्लेटफॉर्म कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन है और कितना पैसा मिलेगा, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर लाइव करके बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड साथ में गाइस एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको, हमारे YouTube चैनल पर चल रहा है गिव अवे और यहां पर 5 लोगों को गिव अवे मिलने वाला है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में लास्ट में या बीच में कहीं भी बता सकता हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये गिव अवे से आपको काफी फायदा होने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। एंड साथ में अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो और आपको पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम अर्निंग करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही है। यहां पर आप पर डे का लगभग 1000 to 1500 रुपीस अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर लगभग पर डे का 1500 to 2000 रुपीस अर्न करने वाले हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम है कैप्चर टाइपर्स। गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन को यूज करके लगभग पर डे का आप यहां से 1500 to 2000 रुपीस अर्न कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा एंड किस तरीके से आप अपने अर्निंग किए हुए पैसों को विड्रॉ करोगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों कैप्चर टाइपर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिंपल कैप्चर फिल करके अर्निंग करना है। अब काफी लोग के मन में ये डाउट है कि कैप्चर क्या होते हैं। मैंने अपने काफी वीडियो में बता रखे हैं कि कैप्चर क्या होते हैं, तो इस वीडियो में मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। यहां पर चलिए मैं बताता हूं आप कैसे आपको यहां पर काम करना है एंड किस तरीके से आपको यहां पर काम करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैप्चर टाइपर्स का, आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना है और जो जो चीज मैं बताता हूं उसको अच्छे से समझना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे देन आप आ जाओगे कैप्चर टाइपर्स के इस पेज पे। यहां पर आप देख सकते हो अर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, इजी डेटा एंट्री वर्क फॉर ऑल। तो यहां पर ये लिखा है कि आप अपने घर पे बैठकर ये काम कर सकते हो। सिंपल ये डेटा एंट्री का काम है और ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का 60 साल का बुजुर्ग आदमी हो, हर कोई ये काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर आपके पास मोबाइल फोन है वो भी चलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। जैसे आप वहां पर आ जाओगे यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड इसके बाद गाइज यहां पर आपको रजिस्टर का फॉर्म मिल जाएगा। यहां पर सबसे पहले गाइज आपको अपना टीम नेम डाल देना है, यानी कि अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको अपना एक यूजर नेम डाल देना है, जैसे कि अगर आपका नाम विजय है तो विजय 1234 डाल दीजिए। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंड इसको आपको यहाँ पर सिंपल आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपको एक इमेज कैप्चर मिल जाएगा, ये सॉल्व करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद गाइज आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल आ जाएगा, वहां पर जाके आपको अपना ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। यहां पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहां पर सिंपली अपने अकाउंट पे जाऊंगा एंड इजीली यहां पर सबसे पहले लॉगिन करूंगा एंड आपको आगे मिलता हूं। सो गाइस आपको एक ऐसा मेल आ जाएगा, क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर टीम अकाउंट, यहां पर क्लिक कर लेना है। एंड इसके बाद आपका यहां पर जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जो भी आपका यूजर नेम था वो आपको सिंपली यहां पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आपको यहां पर नीचे अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड था। एंड इसके बाद आपको इजीली लॉगिन हो जाना है। सो गाइज यहां पर हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर टोटल यूएसडी रेट दिखाया जाता है, क्योंकि आप यहां पर जो भी अर्निंग करोगे वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में करोगे, जहां पर गाइज इंडिया में डॉलर की इस समय कीमत है 75.02 रुपीज। तो यहां पर अब गाइज सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक एम्प्लॉय मास्टर लिखा रहेगा, यहां पर देखो मेरा कर्सर है, यहां पर क्लिक करके आपको एक और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी एम्प्लॉय का। यहां पर आपने जो पहला अकाउंट क्रिएट किया था वहां पर आपकी अर्निंग शो होगी, वहां से आप अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। एम्प्लॉय मास्टर के अकाउंट से आप यहां पर काम करोगे।
अब इसको कैसे क्रिएट करते ये मैं आपको बताता हूँ गाइज। यहाँ पर आपको सिर्फ एम्प्लॉय का नाम, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम है चंदन, तो मेरे को यहाँ पर सिंपल अपना नाम डाल देना है। एंड गाइज वहीं पर आपको वही नाम सिंपल रखना है, जैसे कि मेरे इस आईडी का नाम सोशल 105 है, तो मैं यहाँ पर सिंपली SOCIAL लिख लेता हूँ एंड यहाँ पर 1015 डाल देता हूँ। ये मेरा एम्प्लॉय नेम है। यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर मुझे ईमेल एड्रेस डालना है, वही ईमेल एड्रेस डालना है जो हमने पहले डाला था। यूजर नेम पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। वापस से एक मेल आएगा, वहां पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। चलिए मैं आपको फटाफट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक मेल और आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉय अकाउंट का। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने एम्प्लॉय अकाउंट को भी वेरीफाई यानी एक्टिवेट करना है। इसके बाद गाइस आपको सिंपल लॉगिन के ऑप्शन पे रिटर्न आना है और यहां पर अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लॉग आउट कर लो, क्योंकि आप टीम एडमिन वाले अकाउंट में हो, आपको लॉग आउट करना है सबसे पहले। अब गाइस यहां पर आपको फिर से लॉगिन करना है। अब लॉगिन कौन से आईडी में करना है ये मैं आपको बताऊं। गाइस आपको लॉगिन करना है अपने एम्प्लॉय वाले अकाउंट में, क्योंकि वहीं से आपको काम करना है। तो मेरा जो एम्प्लॉय वाला अकाउंट था वो मैंने यहां पर सोशल 1016 डाला था एंड वो जो पासवर्ड था मैंने दोनों में सेम रखा है, क्योंकि कभी मैं भूल ना जाऊं, इसके लिए सेम आपको वैसे ही करना है। एंड यहां पर हमें सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सो गाइस अब मैं आपको सारी चीजें फटाफट बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हो गया काफी लंबा, आपको समझाना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको सबसे पहले वाले पेज पे सारे के सारे कैप्चर दिख जाएंगे जिनको आपको देखना है एंड इसके बाद आपको काम शुरू करना है। कुछ इस टाइप के आपको काम करने हैं आपको। अब काम कहां से शुरुआत किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। गाइस अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो आप इनका एप्लीकेशन भी ले सकते हो। अब गाइस यहां पर आपको कैप्चर एंट्री करके यहां पर लिखा हुआ है यहां पर क्लिक कर लेना है। जहां पर गाइस यहां पर आप देख सकते हो यहां पर तीनों जगह पे आपको कैप्चर मिलना शुरू हो जाएंगे एंड फटाफट आपको कैप्चर टाइप करना है। जैसे कि यहां देख सकते हो हमें एक कैप्चर मिल चुका है जिसका 1 है, इसके बाद टी है, इसके बाद एच है, यहां पर हमें 9 लिखना है, जे एन एंड ये हमारा हो जाएगा। इधर हमको एंटर पे क्लिक कर लेना है। मोबाइल पे आपको देखना नीचे की तरफ एंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके एंटर करना है। यहां पर लैपटॉप में तो मैं अपना सिंपली एंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ले रहा हूं। और अगर आपको कोई भी कैप्चर नहीं चाहिए तो स्टॉप कर सकते हो, आप ये वाला कैप्चर भी स्टॉप कर सकते हो, ये वाला कैप्चर भी स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको दो में चाहिए तो ये और ये दोनों स्टार्ट कर सकते हो, ये दोनों में कैप्चर आपको फटाफट मिल जाएंगे। एंड यहां पर आपको सिर्फ अपना कैप्चर अरे आराम से देखना है और इजी वे में करना है गाइस, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो आपकी मिस्टेक जल्दी हो सकती है, ध्यान से एकदम करना पड़ेगा आपको। ओ हो गया एंड इसके बाद स्मॉल क्यू हो गया, बिग पी एंड यहां पर एंटर पे क्लिक कर लेना है। और याद रखना गाइस जो भी कैप्चर गलत होते हैं उसके 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे। अब आप सब ये सोच रहे हो कि हम इतने कैप्चर कर रहे हैं लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी अर्निंग कहां हो रही है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहां पर आपको कैप्चर की अर्निंग दिख रही होगी, ये ब्लू कलर देख सकते हो आप, करंट रेट, ये आपके कैप्चर की अर्निंग बताया जा रहा है कि आपका रेट क्या चल रहा है फिलहाल। एंड यहां पर आपको गाइस जिस हिसाब से स्मॉल कैपिटल ये सब देख के आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैप्चर हो जाएगा गलत। एंड इतना मतलब दिक्कत वाला काम नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे भाई। एंड बहुत ही सही एंड सिंपल सा काम है जो आप कर सकते हो। जो कैप्चर गलत होगा उसका आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अब तक आपके सामने मैंने काफी सारे कैप्चर सॉल्व कर लिए हैं एंड अब ये आखिरी कैप्चर है। इसके बाद बताऊंगा कैसे पैसों को विड्रॉ किया जाता है एंड इसके बाद गाइज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये एम्प्लॉय मास्टर और इससे क्या फायदा होता है। तो गाइज यहां पर हमें सबसे पहले अब यहां पर हमारे वापस से मेन डैशबोर्ड पे आ जाना है एंड यहां पर आपको अर्निंग नहीं शो किया जाएगा। अब यहां पर हमें लॉग आउट हो जाना है, क्योंकि अब हम जाने वाले हमारे एडमिन वाले अकाउंट में। एडमिन वाले अकाउंट के लिए मेरे को ये वाला चूज कर लेना है एंड सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर देख सकते हो टीम एडमिन के अकाउंट पे एंड यहां मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर हमने टोटल 6 कैप्चर किए, मुझे 0.00330 की अर्निंग हुई है और इसको रिसीव पेमेंट के ऑप्शन में भी क्लिक कर सकते हो एंड रिक्वेस्ट पेमेंट में भी क्लिक कर सकते हो। तो मुझे रिक्वेस्ट पेमेंट में क्लिक करना है क्योंकि हमें पैसे विड्रॉ करना है। अब गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है काफी सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप इंडिया से हो तो आप अपनी अर्निंग को जल्दी से जल्दी अपने बैंक अकाउंट में पहुंचा सकते हो, क्योंकि गाइस यहां पर आपको 3 प्रायोरिटी मिलती है विड्रॉ करने के लिए। पहले प्रायोरिटी में आपको इंडिया का बैंक इंडियन बैंक मिल जाता है, इसके बाद परफेक्ट मनी, फोन पे के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो एंड साथ में गूगल पे के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। और यहां पर आपको और भी चीज मिल सकती है नीचे की तरफ, लेकिन हमें वो नहीं देखना है क्योंकि इंडिया के लिए ओनली फॉर इंडियंस यहां पर आप इंडियन बैंक अकाउंट ऐड करके अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। यहां पर आपको अपना मिनिमम जो विड्रॉल है आपका वो $1 है एंड मैक्सिमम जो विड्रॉल है वो $5 का है
एंड गाइज मैं आपको बता दूं, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सही है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग यहां से काम कर रहे हैं, काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप भी यहां से अर्निंग करें एंड अच्छी खासी अर्निंग करें, साथ में रेफरल इनकम भी कमा सकते हैं। अब गाइज यहां पर बता दूं, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने के लिए आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा एंड सुबह के 5 बजे आपको यहां पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुबह 5 बजे बैठते हो तो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। तो चलिए गाइज मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज ये जो वीडियो है मैं 21 को शूट कर रहा हूं, पर मैं इसको कभी भी अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इसके लिए मैं पहले शूट कर रहा हूं, तो प्लीज अपने मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखना। और गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उधर जाइए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पर मैं डेली का डेली आपको नई नई चीज बताते रहूंगा और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बताते रहूंगा जहां से आप अर्निंग कर पाए।